हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। जो स्टोन एज का जो पीरियड था एंशियंट हिस्ट्री में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये वो एज थी जब जो प्री हिस्टोरिक मैन जो था, इंसान जो था, उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था किसका, पत्थरों का, अपने यूटिलिटेरियन पर्पसेस के लिए, मतलब अपनी ज़रूरतें की ज़रूरतों के लिए उसने पत्थर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस युग में जो मेन इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था आग का। उन्होंने पत्थर से जो आग जलाई थी और वो यूज़ की थी। तो जो स्टोन एज का जो पीरियड है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज में। पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्टिंग का अननोन है, लेकिन इट प्रिवेल्स अप टू 8000 BC। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड 8000 BC से 4000 BC तक का था, और सबसे लास्ट में नियोलिथिक एज जो थी 4000 BC से 2500 BC तक। ये तीन पीरियड थे जो स्टोन एज में हम लोगों को पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन वॉज पैलियोलिथिक एज। जैसा कि टाइम पीरियड मैंने बताया, टाइम पीरियड वॉज 8000 अनोन टाइम पीरियड फॉर स्टार्टिंग और अप टू 8000 BC। तो एनिमल्स रिमेन फाउंड किए गए हैं पैलियोलिथिक एज के। तो ये एनिमल रिमेन्स जो मिले हैं ये शो करते हैं कि जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन उस टाइम में होता था, लोग यूज़ करते थे, कार्व्ड स्टोन्स का ही यूज़ किया जाता था। मैंने बताया कि उस टाइम की जो स्टोन एज के जो लोग थे उन्होंने पत्थरों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो हंटिंग के लिए कावड़ स्टोन्स को यूज़ करते थे, जो नुकीले पत्थर होते हैं। और बेसिक टेक्निक जो वो लोग यूज़ करते थे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को शार्पन करेंगे। इसी टाइम पे आग जो है, ह्यूमन इंसान आग यूज़ करने लगा था पैलियोलिथिक एज के टाइम पे से ही। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि स्टोन्स का उन्होंने यूज़ किया अपनी यूटिलिटी के लिए स्टोन्स का यूज़ किया था। और दिस वाज वन ऑफ द इन्वेंशन, बेसिक इन्वेंशंस इन द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के बाद में बात करते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज की। तो मेसोलिथिक एज इट स्टार्ट्स आफ्टर 8000 BC, अराउंड 8000 BC टू 4000 BC, सो ऑल्सो नोन एज द मिडल स्टोन एज। क्योंकि जो तीन क्लासिफिकेशन थे उनमें बीच में मेसोलिथिक एज आती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स जो थे इस एज के, दैट वर नोन एज माइक्रोलिथ्स। जो भीमगेट का की जो केव्स हैं भोपाल के पास में, उनमें जो आर्ट हो रही है, दीवार पे जो आर्ट हो रही है, दीज वर द पेंटिंग्स दैट वर प्रैक्टिस्ड बाय द पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीपल। रिमेंबर, जो भीमगेट का की जो केव्स हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू नियोलिथिक एज पीपल। दोज फॉर्म ऑफ आर्ट वर प्रैक्टिसेस बाय द पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीपल। द नेक्स्ट वाज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो इसका जो शुरू होने का जो टाइम था, दैट वाज अराउंड 4000 BC। हालांकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइट है वो केवल एक ही है, वो भी मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ लाई करता है। तो वहाँ की जो एविडेंस मिले हैं वो प्रूफ करते हैं कि डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स की हुआ करती थी नियोलिथिक एज में भी। नियोलिथिक एज के बाद में एक चालकोलिथिक कल्चर चला। चालकोलिथिक कल्चर जो हुआ, तो अब लोगों ने पत्थर के अलावा कॉपर और ब्रोंज का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो फेज था इसको चालकोलिथिक एज बोला गया। इस चालकोलिथिक एज में काफ़ी सारे कल्चर, सभ्यताएं जो थीं वो चली। तो सबसे पहली थी आहार कल्चर, जिसका टाइम पीरियड था 2800 से 1500। और अगर रीजन की बात करें तो ये आज के मॉडर्न राजस्थान का जो रीजन एरिया था वहाँ फ्लरिश की थी ये सभ्यता जो है। कायत कल्चर, उसका टाइम पीरियड 2450 से 1700 BC तक था, और चंबल के आसपास का जो एरिया था दैट वर अंडर कायत कल्चर। हालांकि इसके जो सेटलमेंट्स थे काफ़ी कम थे, लेकिन जितने भी थे सारे के सारे चंबल के आसपास ही थे। स्वालदा कल्चर जो जिसका टाइम पीरियड था 2300 से 2000 BC तक। प्रभास कल्चर 2000 से 1400। मालवा कल्चर 1900 से 1400। और इस मालवा कल्चर की जो
सेटलमेंट्स हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। देखिए मालवा की जो नोन सेटलमेंट्स हैं नर्थतोली एरन सागर डिस्ट्रिक्ट में, नागदा जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दीज आर द सेटलमेंट्स ऑफ मालवा कल्चर। रंगपुर कल्चर टाइम पीरियड वॉज 1700 से 1400 BC। रंगपुर की जो मेजर साइट्स हैं वो गुजरात में लाई करती है, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये सारे के सारे कल्चर्स हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कि कौन से कल्चर पहले एस्टेब्लिश हुआ और कौन सा कल्चर बाद में एस्टेब्लिश हुआ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इन सब से मिल जाती है। इन द लास्ट वॉज द जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर जो था 1500 से 900 BC तक आया था। इसकी ज़्यादातर सेटलमेंट्स जो हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसके जो सेटलमेंट्स के नाम हैं वो है प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव। ये इसके कुछ नोन सेटलमेंट्स हैं। तो इस ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टोन एज के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया स्टोन एज के क्लासिफिकेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, और न्यूलिथिक के बाद में चालकोलिथिक एज आई। चालकोलिथिक में हम लोगों ने कल्चर्स भी पढ़े जो फ्लोरिश किए इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।